अब जी बी पटनायक सर, जाहिर सी बात है कि हाँ, पूरा इनका जो राजभवन से लेके और 6 महीने में जो विश्वविद्यालय को जो इन्होंने दिया, वो हम तो उतना जानते हैं, लेकिन जल निगम का मतलब समझ गए आप, प्यासे तक पानी पहुंचा देना। तो कहते हैं कि प्यासा दरिया तक आए, लेकिन दरिया इस वक्त प्यासों के पास है। स्वागत कीजिए आप जी बी पटनायक सर का। ब्यूरोक्रेसी का एक मोटा बड़ा नायर साहब मेरे बारे में जितना बताएंगे मैं खुद इतना बता नहीं सकता हूँ, तो इसलिए मैं आकर खड़ा हो गया। श्री बिलाय जाफरी जी, श्रीमती कृष्णा जाफरी जी, और मंच की दोनों साइड में जाफरी जी की जो मुरीद और हम लोग उनके जो फैंस है, मैं ही बता सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ा मौका है मेरे लिए कि आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। बिलाय जाफरी जी के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, उन्हीं को जानता हूँ। इस कमरे में मान ले 100 माताएं होती और 2 साल की एक बच्ची को छोड़ दिया जाता, उसको अपने माँ को ढूंढने में टाइम नहीं लगता है। माँ के बारे में ज़्यादा नहीं जानती है लेकिन माँ के पास पहुँच जाती है। सो बिलाय जाफरी को इसी हिसाब से मैं जानता हूँ, दोस्तों के दोस्त, बहुत बड़े दिल के आदमी हैं। हमारे ये ज़माना थोड़ा विड़म्बना आर्यनिज से भरपूर है। कोई सोशोलॉजिस्ट इस ज़माने के बारे में जब लिखेगा, बड़े बड़े घर में हम रहते हैं, दिल छोटा हो जाता है। ये जो एक हमारे हाथ में, सबके हाथ में रहता है ये जो मोबाइल फोन, दुनिया को समेट लिया है, लेकिन एक ही छत के नीचे हम रहते हैं। मुझे याद नहीं मेरे बड़े लड़के के साथ मैं कब बात किया था, टेलीफोन से बात करता हूँ। सो ऐसे ज़माने में बिलाय जाफरी जैसे आदमी हैं जो अपने को दूसरों को भी अपना कर लेते हैं, और ये उन्हीं की खासियत है कि वो लखनऊ वासियों की भी खासियत है। मैं लखनऊ क्या आया, अपने घर में मैं गेस्ट बन गया हूँ। जब उड़ीसा जाता हूँ लगता है कि जैसे किसी का मैं घूमने के लिए आया हूँ। ये बिलाय जाफरी, ये लखनऊ वासी हैं। तो मुझे फ़ख्र है कि मैं उनको जानने के मुझे मौका मिला, और ही हैज़ एनरिच्ड माई लाइफ। क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबा सफ़र से नहीं जाना जाता है, कुछ मोमेंट से जाना जाता है। जैसे मुझे लगता है कि मैं यहाँ बीच बीच में मन में आता है यहाँ क्यों हूँ, ऐसे ऐसे मोमेंट के लिए हूँ कि ऐसे लोगों से ऐसे मुलाकात हो जाती है, तो लगता है कि भाई ज़िंदगी के कोई मकसद है, कुछ जीने की कुछ मकसद है। सो आज एक हिस्टोरी जो आप एक ऐतिहासिक क्षण है कि जो हमारे देश में लाइट एंड साउंड की जनक जिसको कहा जा सकता है, समबडी टोल्ड पितामह। सो इसे एक फक्र के साथ सब हम लोग रूबरू होने के मौका मिला, उनके बारे में जानने के मौका मिला। हम सबको ओर से यही प्रार्थना है कि आप सताई हो, और ऐसे आपको किसी अवार्ड के क्या नवाजा, कोई भी पीएचडी या डीलिट अपने को गौरवान्वित माने करेगा कि आपको ऐसा कुछ अवार्ड मिले। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं कि अवार्ड आपको मिला कि नहीं मिला है, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि आप सबके दिल में राज कर रहे हैं। वाह वाह, नमस्कार।